हे गाइस, आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाला और हम सबका पसंदीदा गाजर का हलवा, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में सारी ट्रिक्स के साथ। तो इसके लिए हमने 1 किलो गाजर ली है और इसे छीलकर अच्छे से धोकर घिस लिया है। अब एक कढ़ाई में हमने देसी घी डाला है क्योंकि गाजर के हलवे का मजा तो देसी घी के साथ ही आता है। फिर हमने इसमें डाला है थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम और इन्हें 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। इससे इनके अंदर और भी क्रंचीनेस आ जाती है और ये हलवे में और भी स्वादिष्ट लगते हैं। बस अब इसी कढ़ाई में हम अपनी कसी हुई गाजर डाल देंगे। और इसे चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए या जब तक ये थोड़ी बैठ ना जाए। और ये गाजर भी थोड़ी कम हो गई है, अब हम इसमें बाकी की बची हुई गाजर भी फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इसमें डाली है 1/2 कप चीनी और चीनी के साथ हम गाजर को फ्राई करेंगे लगभग 10 मिनट के लिए। इससे गाजर का कलर लाल ही रहता है, तो आप इस ट्रिक को अगली बार ज़रूर आजमाना। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है। पहले मैंने 1/2 कप दूध डाला है और अब इसे अच्छे से चलाएंगे और जब थोड़ा दूध कम हो जाए फिर हम इसमें 1/2 कप दूध और डालेंगे। आप एक साथ दूध ना डालें, इससे ये पकने में ज़्यादा समय लेगा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे गाजर दूध के साथ थोड़ी नरम हो जाए। हम इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं ढकेंगे वरना भाप से हमारे हलवे में पानी हो जाएगा और गाजर के अंदर वो क्रंचीनेस नहीं रहेगी। तो 5 मिनट हो गए हैं और दूध लगभग जल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और 50 ml के करीब कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप चीनी को 1/2 कप के बजाय 1 कप डाल दें, उससे वही मिठास गाजर में आएगी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएंगे जिससे सारा बचा हुआ दूध भी जल जाए और गाजर नीचे से जले भी ना। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं और गाजर भी 90% तक पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश और मगज और 5 मिनट इनके साथ पकाने के बाद हम इसमें अपने फ्राई किए हुए काजू बादाम और खोया डाल देंगे और इन सबको अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और ये हमारा हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा तैयार है। पर 1 मिनट अभी हलवाई स्टाइल प्लेटिंग बाकी है। इसके लिए हमने खोया लिया है और ग्रेटर से खोए को आधे हिस्से में ग्रेट कर दिया है और फिर इसमें बचे हुए काजू और बादाम डाल देंगे। मैंने इसे और कलरफुल बनाने के लिए इस पे किशमिश और थोड़ी सी टूटी फूटी डाली है। तो अब हमारा घर पर बना शादियों वाला हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। तो इस बार आप इस तरह से गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।